नमस्कार दोस्तों, BPCL के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.85% के क्लियर आपको यहां पर गिरावट नज़र आ रही। तो उसके साथ देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेड कैंडल, पिछले तीन दिन से कंटिन्यूसली रेड रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा। अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी गिरावट आने वाला है या फिर तेजी आने वाला है, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा दोस्तों। नोटिस कर सकते हो BPCL शेयर जैसे कि हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो स्टॉक यहाँ से अपना प्रीवियस का एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ा और यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक काफ़ी समय से एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 340-341 का, अब इसके नीचे स्टॉक काफ़ी समय से रेंज बना रहा था, अब इसको भी ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है क्योंकि स्टॉक अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर और काफ़ी समय से उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो स्टॉक आपको एक ऑप्टर में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल आपके सामने 319-320 का दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा है 360 का। तो यहां पर हम बात करेंगे अभी हमारे लिए क्या क्या टारगेट यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। टारगेट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है 383-384 का है, दूसरा टारगेट 423 एंड 462, नेक्स्ट रहेगा 486। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।